खान महमूदाबाद एक इतिहासकार, कवि और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। 1982 में जन्मे अली महमूदाबाद के पूर्व राजा और विजय खान के पुत्र हैं। उनकी माता के पूर्वज उदयपुर के पूर्व रियासत में वरिष्ठ पदों पर रहे। अली के नाना जगत सिंह मेहता, जिनका वो बातचीत में जिक्र करते हैं, भारत के विदेश सचिव रहे। अली सोनीपत के अशोका विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और इतिहास के सहायक प्रोफेसर हैं। उनकी पीएचडी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके से है। उनकी हाल ही में छपी किताब का नाम है पोएट्री ऑफ बिलोंगिंग, मुस्लिम इमेजिनिंग्स ऑफ इंडिया। अली उर्दू और अंग्रेज़ी अखबारों में लगातार लिखते हैं और वो समाजवादी पार्टी के एक सदस्य हैं। कह सकता हूँ कि अहिंसा या फ़कत हिंसा या फ़कत अहिंसा की दास्तान है तारीख यानी इतिहास, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप देखें कि जो बड़ी बड़ी तहरीकें चली हैं, कहीं ना कहीं उनके इब्तदाई दौर में या उनकी बुनियाद में हिंसा है, क्योंकि वो एक है फितरती चीज़, एक नेचुरल चीज़ है इंसान की फितरत में इंसान, लेकिन मेरे ख्याल से वो बुनियाद में इसलिए है क्योंकि फिर जो बड़े बड़े धर्म आए या मज़हब आए, उन्होंने यही सिखाने की कोशिश की कि इंसान का जो जहन है और इंसान की आत्मा जो है, वो खुदी जो उसकी है, उसको ऐसे बुलंद करे कि इन चीज़ों से उठ पाए। ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी हैं बुनियादों में। अब जो सेक्युलर दौर में मेरे ख्याल से एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो सबसे नया धर्म इंसान ने जन्म दिया है, जिसको कौमियत कहेंगे, नेशनलिज्म, पेट्रियटिज्म और नेशनलिज्म में फ़र्क करना चाहिए, तो नेशनलिज्म में इसका कोई हल नहीं है। धर्मों में है, अगर सही धर्म को भी बिगाड़ा गया है वो अलग बहस है, और धर्म के नाम पर हिंसा हुई है हर धर्म के नाम पर, लेकिन उसी धर्म में रास्ता भी बताया गया है। लेकिन नेशनलिज्म में कोई रास्ता है इंडिविजुअल को बताने के लिए कि भाई उसको कानून से आप बांध दीजिए, वही एक तरीका है, लेकिन उसी को इख्तियार दे के, चॉइस दे के आप कहिए कि नहीं, तुम्हारे नफ्स के लिए ये ख़राब चीज़ है, तुम्हारी आत्मा के लिए ख़राब चीज़ है, वो तो फिर नहीं मिलती। देखिए, जिहाद असल में होली वॉर के माने में कुरान में इस्तेमाल ही नहीं हुआ। पहले तो ये गलतफहमी दूर कर देना चाहिए जी। क्योंकि बहुत सी गलतफहमियां बहुत आम हो गई हैं इस्लाम के बारे में, तो जिहाद को कहीं कुरान में होली वॉर यानी धार्मिक युद्ध के तौर पर इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। उसका अरबी में उसके लिए लफ्ज़ अलग है। जिहाद कहते हैं स्ट्रगल को जी। संघर्ष को। बल्कि एक बहुत मुझे अभी याद आया, सैयद हुसैन नसर जो एक बहुत बड़ी बड़े लेखक हैं और बुद्धिजीवी हैं, अमेरिका में रहते हैं, सूफिज्म और इस्लाम पर बहुत काम किया है, और दलाई लामा के बीच में गुफ्तगु हो रही थी तो हुसैन नसर इसी के बारे में बता रहे थे कि जिहाद के असल माने क्या हैं और जिहाद बिन नफ्स किस चीज़ को कहते हैं। तो दलाई लामा ने उनसे जवाब दिया कि अगर ये जिहाद है तो फिर मैं मुसलमान हूँ। वो है ऑनलाइन, आप देख सकती हैं यूट्यूब पर। तो जिहाद उस चीज़ को कहते हैं कि जो जिसको हम लोग कहते हैं आप बेस सेल्फ। इस हिंसा को समझने के लिए बुनियादी तौर पर हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे समाज में कमियाँ क्या हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम किस हद तक के ये जो आवाज़ें हैं इनको शामिल कर रहे हैं पॉलिटिकल प्रोसेस में, क्योंकि जहां आपने पॉलिटिकल प्रोसेस से एक्सक्लूड करने की शुरुआत की तो आदमी का भरोसा जो है वो ख़त्म हो जाता है और वहीं से हिंसा का रास्ता शुरू होता है। आप दो पर्सनल जाति मफाद यानी अगर आप अपने फ़ायदे के लिए हिंसा कम करना चाहें, वो एक सेल्फिश चीज़ हुई, और एक वो कि आप अहिंसा की अहमियत समझें। मैं मानता हूँ कि दिल्ली में जो हुआ वो हिंदू मुस्लिम नहीं था, हिंदू के नाम पर बीजेपी ने और स्टेट ने मुसलमानों को टारगेट बनाया। जब आप पॉलिटिकल प्रॉब्लम को अलग कर देंगे और समाज में जाइएगा और फिर लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा तो उससे बहुत फ़ायदायक होगा, और वही एक रास्ता है मेरे ख्याल से समाज में एक मॉरल लीडरशिप। और वही जो मैं अभी कह रहा था कि दिल्ली में आप देखिए कितनी अच्छी कहानियाँ आ रही हैं। वो आदमी जो ज़मीन पर गिरा था जिसको मारा जा रहा था, उसने कहा मैं माफ़ करता हूँ। हमारे सिख भाइयों ने गुरुद्वारे खोले, हमारे दलित भाइयों ने गलियां ब्लॉक कर दी लोकल, हमारे हिंदू भाइयों ने लोगों को की रक्षा की। मेरे ख्याल से पहली बात तो ये है कि उत्तर से लेकर दक्षिण हिंदुस्तान तक के, आप भारत तक के आप चली जाइए, ये धार्मिक और मज़हबी मुल्क है।
लोगों की आस्थाएं हैं, लोगों के जज्बे हैं, लोगों का ईमान है, और वही उनको एक स्ट्रेंथ पहुंचा सकता है। मुमकिन है ये बात जो बहुत ज़्यादा लिबरल हों या कम्युनिस्ट हों, वामपंथी हों या सोशलिस्ट हों, वो सहमत ना हों या ना माने, लेकिन फेथ जो है और फेथ की एक बुनियाद होती है उम्मीद। तो इस्लाम में कहा जाता है कि ना उम्मीदी कुफ्र के बराबर है, यानी उम्मीद को खो देना तकरीबन यही है कि आदमी ईमान अपना खो दे। देखिए कितनी बड़ी बात है। बड़ी। तो उम्मीद नहीं खोना चाहिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। और जाहिर है कि अल्लामा इकबाल कहते हैं कि शाम गम लेकिन खबर देती है सुबह ईद की, जुल्मत शब में नज़र आई किरण उम्मीद की। तो जाहिर है कि भाई काले काली घटाएं भी होती हैं, ऐसे दिन आते हैं जिसमें आदमी को महसूस घुटन महसूस होती है, क्या होगा, एक डर भी होता है जो आप कह रही हैं, इस वक्त बिल्कुल है डर। मेरे ख़्याल से वही है कि महल्ले के लेवल पर, कस्बे के लेवल पर, गाँव के लेवल पर मुश्किल काम है, लेकिन कोशिश करें लोग बातचीत बरकरार रखने की, एक दूसरे से गुफ्तगू करने की। जैसे हम लोगों के यहाँ भाई लोग जाते ही थे आपस में दिवाली ईद में, गंगा जमनी तहजीब एक एलीट चीज़ नहीं थी, लोग बड़े धार्मिक थे, धर्म के अंदर से जाते थे, यानी अपने मुसलमान अपने मजहब में मुस्तहकम था, यानी पक्का था, और हिंदू भाई अपने धर्म में, और धर्म ही से वो गुंजाइश पैदा करते थे बराबरी की, समता की। जाहिर है उसमें बाज लोग खराबियां भी पैदा करते थे, लेकिन वो लोग जो भाईचारा बरकरार रखते थे वो ये नहीं है कि गवा के धर्म को या कम करके डाइल्यूट करके, बल्कि वो ये समझते थे कि उनकी एक धार्मिक ड्यूटी ये है, मज़हब ये सिखाता है कि आपस में भाईचारा बरकरार रखो, बैर ना रखो। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे ख्याल से हो गई है अब समाज की और सामाजिक सेवा जो लोग करते हैं उनकी, क्योंकि ये गलत है बुनियादी तौर पर कि हम ये सोचें कि स्टेट जो है, जो हुकूमत है, जो सरकार है, वो इसका समाधान या वो इसका नतीजा निकालेगी।